नाग स्तोत्र पढ़ने के 5 लाभ मिलेगा, काल सर्प दोष और पितृ दोष से होगा छुटकारा, होने लगेगा धन की प्राप्ति। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नाग स्तोत्र का पाठ अचूक है। नाग स्तोत्र के बहुत सारे फायदे हैं ऐसा शास्त्र कहते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ही नाग पूजा का प्रारंभ हो गया है। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ ने गले में एवं भगवान श्री विष्णु ने शयन करके नाग के महत्व को दर्शाया है। नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देव की विशेष पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा का शास्त्रीय विधान है। इनके नाम हैं अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कर्कोटक, अश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। नाग पंचमी के दिन पूजन के बाद नाग स्तोत्र का पाठ करके इन सब नागों को प्रणाम किया जाता है और इनका आशीर्वाद मिलता है। कालसर्प दोष निवारण, आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से लोगों का जीवन काल सर्प दोष से मुक्त होता है। भगवान शिव जी ने वासुकी नामक नाग देव को गले में डाल रखा है। शुक्ल पक्ष के सावन की पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ एवं नाग देवता की विधि विधान से पूजा करके नाग स्तोत्र का पाठ करने से कुंडली में कालसर्प दोष की समस्या से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। पितृ दोष समाप्त होता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के समय उन्हें विशेष रूप से दूध, चंदन का इत्र, चंदन का तिलक, गुलाब की धूप, पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ एवं मां पार्वती के साथ पूजा कर शिव चालीसा एवं नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पूजा को विधि विधान से करने से जिस भी जातक या जाति का व्यक्ति या महिला की कुंडली में पितृदोष है तो उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में भी नाग स्तोत्र का पाठ जो है किया जाता है। राहु केतु के दुष्प्रभावों को भी यह स्तोत्र दूर करता है। नाग स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने वाले व्यक्तियों पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री हरि का भी आशीर्वाद प्राप्त रहता है। जो व्यक्ति नित्य नाग स्तोत्र का पाठ करता है उसकी कुंडली में राहु केतु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहता है, उसका भाग्य साथ देता है और निश्चित रूप से बेहतर करता है। सर्प भय भी नहीं रहता इस स्तोत्र के पाठ करने से। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। नाग पंचमी की तिथि को उससे नाग बनाकर उसके दूध, दही और घी से पूजा करके नाग स्तोत्र की पाठ करते हैं तो नाग देवता अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और नाग देवता की जातक पर कृपा बरसती रहती है। वर्ष पर्यंत जातक को नाग का भय नहीं होता है। नाग पंचमी के दिन अगर सुवर्ण, चांदी और ताम्र के नाग बनवाकर शिव मंदिर में चढ़ाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दिया जाए तो उन्हें भय नहीं सताता है। लक्ष्मी की भी प्राप्ति के लिए नाग स्तोत्र अचूक है। नाग देवता माता लक्ष्मी जी के सेवक हैं, अमूल्य नागमणि एवं दैव निधियों के प्रहरी हैं। नित्य नाग स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है एवं उसे कभी भी धन संपदा का अभाव नहीं होता और निश्चित रूप से उसका भाग्य साथ देता है। नाग सर्व स्तोत्र इस प्रकार है। ब्रह्मलोके चये सर्पा चेस नागा पुरोगमा नमोस्तु नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना
शन्तु मे सदा विष्णु लोके चये सर्पा वासुकी प्रमुखाश्चये नमोस्तस्तु नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना शन्तु मे सदा रुद्र लोके चये सर्पा तक्षकः प्रमुखास्तथा नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना शन्तु मे सदा खाण्डवस्य तथा दाहे स्वर्गञ्च ये च समाश्रिता नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्नाः सन्तु मे सदा सर्पसत्रे च ये सर्पाः अस्तिकेनाभिरक्षिता नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा प्रलये चैव ये सर्पाः कार्कोट प्रमुखाश्चये नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा धर्मलोके च ये सर्पाः वैतरणाणां क्षमाश्रिता नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ये सर्पाः पर्वतेषु धारिसन्धिषु संस्थिता नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पाः प्रचरन्ति च नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा पृथिव्यां चैव ये सर्पाः बिलसंस्थिता नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तु मे सदा रसातले च ये सर्पा अनन्तादि महाबला नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। उम्मीद है आप सब यह वीडियो ठीक से देखे होंगे और नाग स्तोत्र का पाठ करने से अगर यह स्तोत्र का श्रवण भी करते हैं दोनों का उतना ही महत्व है। अगर आप पाठ करते हैं तो भी उसका उतना फल मिलता है, अगर आप श्रवण करते हैं तो भी उसका फल मिलता है। तो आज के दिन नाग पंचमी के दिन निश्चित रूप से इसका पाठ करने से कुंडली में लगे हुए पितृदोष आपको दूर होते हैं और निश्चित रूप से आपके ऐश्वर्य और जो भी कष्ट है उससे निजात मिलता है और जातक भाग्यशाली बनता है। उम्मीद है आप सबने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।